नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बड़ी गर्मा गर्मी के बीच तेजस्वी ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, टाइगर अभी जिंदा है। जदयू की बड़ी मांग, नीतीश कुमार को अब संयोजक नहीं पीएम फेस बनाइए। लालू नीतीश के अयोध्या जाने पर तेजस्वी का बड़ा बयान, नीतीश को सुशील मोदी ने दी बड़ी नसीहत। 13 जनवरी को 25,000 शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे नीतीश। जातीय गणना की तर्ज पर होगा शराबबंदी को लेकर घर घर सर्वे, बोले मंत्री। केके पाठक से मांझी ने की डिमांड, एमएलए के बच्चे भी यहां करें पढ़ाई। बांका में भीषण सड़क हादसा, मुजफ्फरपुर में एक साथ मिले कोरोना के 3 मरीज। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सियासत में चल रही तरह तरह के कयासों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। सीएम आवास में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। साल 2024 में पहली बार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बिहार के सियासत में पिछले कुछ दिनों से लालू तेजस्वी से नीतीश कुमार की नाराजगी की बातें सामने आ रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव अचानक सीएम हाउस पहुंचे। दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में भी लालू तेजस्वी से नीतीश कुमार की नाराजगी नजर आई थी। नए साल की बधाई देने ना तो तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने राबड़ी आवास पहुंचे। मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सभी पार्टियों को चेता भी दिया, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य के बारे में बयानबाजी करते हैं, वो जरा संभल जाए। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना टाइगर से करते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि ये कोई नहीं जानता और ना ही इसकी कोई गारंटी है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से जदयू संतुष्ट नहीं है और उसने नीतीश कुमार को विपक्ष का साझा पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी है। मंत्री मदन सैनी ने कहा कि बिहार में जो काम हुआ उसका असर बिहारी नहीं दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार को सबसे अनुभवी है तो संयोजक ही क्यों, उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संयोजक का काम तो बिना पद के ही पहले कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं और उन्होंने ही तमाम दलों को संयोजित करने का काम भी किया है। लालू नीतीश के अयोध्या जाने के निमंत्रण पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस इस संबंध में कुछ मालूम नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में चल रहे रस्साकसी के बीच कांग्रेस के 291 सीटों के दावे पर उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बौद्ध धर्म गुरु से मुलाकात किया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ महाबोधि मंदिर के विस्तार को लेकर मुआयना भी किया गया और कहा बोध गया और महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में मेडिटेशन बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के पोस्टर ने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि इसमें उन्हें बीजेपी का संकट मोचक बताया गया है। इधर नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर सुशील मोदी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने सलाह दिया है कि बिहार सीएम को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुशील मोदी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनको काफी मुश्किल से संयोजक बनाने की बात चल रही है। संयोजक का पद मुंशी का होता है, उनका काम होता है सबको टेलीफोन करना, सूचना देना, हिसाब किताब रखना, ये तो तौहीन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से बड़े समारोह में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में बड़ा इवेंट हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित पहले चरण में के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था। दूसरे चरण में 92,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिनकी काउंसलिंग जिलों में चल रही है। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को बसों से लाया जाएगा। बिहार में जातीय गणना की तर्ज पर घर घर शराबबंदी का सर्वे करने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। इसे लेकर मद निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विभाग को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है और इसके बारे में यह भी कहा गया है कि विभाग उस पर कार्रवाई भी कर रहा है। घर घर सर्वे के लिए उन लोगों ने एजेंसी को शॉर्ट आउट करना शुरू किया है। 3 एजेंसी का नाम आया है, उसी में से किसी एक का चयन किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि 10 दिनों के अंदर हम लोग एजेंसी का चयन कर लेंगे।
के पाठक से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से मांग करते हुए कहा है कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा के दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, पर यदि वह एक काम और कर दे तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। मुख्य सचिव का बच्चा हो या फिर चपरासी का, विधायक का बच्चा हो या मंत्री का, सरकार से वेतन उठाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। बांका में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल रेलवे स्टेशन मोड़ पर बाइक और बस की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची। सभी को बेहोशी के हालत में रेफर किया गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के सामने केबिन में बैठे महिला और पुरुष शीशा तोड़कर फिल्म स्टाइल में सड़क पर गिर पड़े। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में कोरोना डराने लगा है। जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। एक साथ 3 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। तीनों मरीज आरटीपीसीआर जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। एसकेएमसीएच में इनके सैंपल की जांच हुई है। संक्रमित मरीजों में 12 वर्ष का बच्चा और 20 वर्ष की युवती भी शामिल है। वहीं जिले में कोरोना के नए मरीज मिल जाने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।